ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्ट धातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है, आप सबके सहयोग से लग रही है। पायलट जिंदाबाद के नारे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे, नजारा जयपुर के चाकसू का है, जहां वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर चाकसू के मेन चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। वैसे तो ये खास कार्यक्रम राजस्थान की राजनीति में बेहद खास होने वाला था, क्योंकि दो दिग्गज एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में सचिन पायलट ही पहुंचे, न CM पहुंचे और ना ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। सचिन पायलट मंच पर पहुंचे तो पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, चाकसू में पायलट को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी और गहलोत खेमे को एक संदेश दे दिया कि राजस्थान में पायलट की धाक क्या है। बाबा साहेब की 11 फीट ऊंची और 1100 किलो वजनी प्रतिमा का अनावरण कर पायलट ने अपनी ताकत दिखा दी। दलित समाज के बीच पायलट ने हुंकार भरी। वैसे तो लोगों को इंतजार था सचिन पायलट और गहलोत एक मंच पर फिर दिखेंगे, मीडिया के कैमरे भी पायलट और गहलोत के एक मंच पर देखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पायलट ने दलितों के बीच आकर हुंकार भरी तो पायलट को लोगों का भारी समर्थन मिला। भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, अंबेडकर साहब के नाम पर कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो बरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा है। हम लोगों को अलग अलग कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और स्वर्गीय पायलट साहब मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे, जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती है, सिर्फ चुनाव जीतने से पद लेने से एहसास नहीं होता। अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, वही लोग इस देश को सही समझ ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, राजस्थान में दलितों के अत्याचार के खिलाफ जहां विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो वहीं पायलट ने दलित सभा का आयोजन कर एक संदेश दे दिया। लेकिन माना जा रहा है कि अचानक गहलोत ने कार्यक्रम रद्द कर दिया, आखिर क्यों किया ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन पायलट ने दलित सभा के आयोजन में हुंकार भर समाज के साथ खड़े होने का आह्वान किया, लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की, ऐसी भागीदारी को हम पत्र देंगे। आज देश का आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संभल दें। जहां एक तरफ लोग पायलट को देखने पहुंचे तो वहीं समाज के लिए बाबा साहेब के 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण एक संदेश था
और बाबा साहेब के विचार समाज के लिए प्रेरणा। कार्यक्रम में पायलट ने न सिर्फ बाबा साहेब के विचारों पर बात की, बल्कि पायलट ने समाज के लिए काम करने और हमेशा खड़े रहने का आह्वान भी किया। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रसिद्ध करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन और अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अम्बेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के मन में है, दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन आप सोचो साथियों, जब अम्बेडकर साहब छोटे थे, जब नौजवानी में थे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति उस समय थी, उस समय उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई करी, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया। जहां एक तरफ समाज के लोग बाबा साहेब की प्रेरणा से प्रेरित है, तो वहीं 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर समाज के लोगों का दिल खुश किया गया, तो वहीं सचिन पायलट ने भी मंच से बाबा साहेब के विचारों का गुणगान कर समाज के बीच एक नई छवि पेश की। और वहीं हजारों की भीड़ ने गहलोत खेमे को यह संदेश दे दिया कि राजस्थान में सचिन पायलट के सामने ये भीड़ उनकी ताकत बन गई है। जहां सचिन पायलट होते हैं, वहां पायलट जिंदाबाद के नारे लगते नजर आते हैं और जनता का सैलाब दिखाई देता है।